हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ ही हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, और हम देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में हमको एक जंप देखने के लिए मिला था, एक बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी, एक जंप देखने के लिए मिला था। और स्टॉक ने जिस लेवल को हमने डिस्कस किया था 3750 के लेवल को, उसी लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अगेन इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है कि यहाँ किसी भी वक्त यहाँ हमको जंप देखने के लिए मिल सकता है, बड़ी बाइंग किसी भी वक्त आते हुए हमको नज़र आ सकती है। इस क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक पिछले डेढ़ दो सालों से 70 के लेवल से स्टॉक ने हमको गिरावट दिखाई है, उसके बाद स्टॉक इसी रेंज में हमको काम करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ बड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा और बड़ी बाइंग भी देखने के लिए नहीं मिल रही। काफ़ी टाइम से स्टॉक एक ही रेंज में हमको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ किसी भी वक्त हमको एक बड़ी बाइंग, बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले वीक में हमको एक बड़ा जंप देखने के लिए मिले। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अब बात करें सपोर्ट लेवल की, तो 36 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 35-40 का लेवल सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा। और बात करें टारगेट की, तो अब हमारा इमीडिएट टारगेट हमको नज़र रखना है 37.50 रुपये के लेवल पर। जैसे ही इसको ब्रेकआउट कर गया, अगेन हमको 40 से लेके 44 तक के टारगेट ट्राइडेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं।